हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जारी होगी अंतिम चयनित सूची वर्चुअल बैठक की सूचना दी। शिक्षक नियोजन जो अभी चल रहा है हाई स्कूल प्लस टू और सिक्स टू एट का, तो उसमें आज जारी होगा अंतिम चयनित सूची हाई स्कूल और प्लस टू वाले का। नगर क्षेत्र के तहत कक्षा छठी से आठवीं तक स्कूलों में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया के लिए सोमवार को प्रोविजनल लिस्ट का अनुमोदन होगा। ठीक है, तो आज प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का अनुमोदन होगा। इसके लिए नियोजन समिति की बैठक होगी, वही प्लस टू के लिए अभ्यर्थियों की अंतिम चयनित सूची जारी होगी। और आज प्लस टू का जो बहाली चल रहा है छठे चरण का, उसका अंतिम चयनित सूची आज जारी होगा। नियोजन समिति की बैठक वर्चुअल होगी। इसके लिए सभी सदस्यों को सूचना दी गई है। डीपीओ स्थापना जमालुद्दीन ने बताया कि छठी से आठवीं तक के लिए मेधा सूची का अनुमोदन और प्रकाशन होगा, और छठी से आठवीं तक का जो शिक्षक नियोजन का प्रक्रिया चल रहा है उसमें आज मेधा सूची का अनुमोदन होगा। उल्लेखनीय है कि नगर क्षेत्र में प्लस टू के लिए कुल 30 और माध्यमिक के लिए 19 सीटों पर नियोजन होगा। और प्लस टू का 30 सीट खाली है और माध्यमिक हाई स्कूल के लिए 19 सीट खाली है, तो उसका नियोजन होने वाला है, तो उसके लिए आज अंतिम मेधा सूची जारी होगा। ऑनलाइन टीचर्स ऑफ बिहार की ओर से सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम मनाया गया। टीचर्स ऑफ बिहार के लिए शनिवार को ऑनलाइन सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम मनाया गया। इसमें आपातकाल में बाल सुरक्षा विषय पर चर्चा की गई। मुख्य अतिथि यूनिसेफ बिहार के चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर गार्गी शाह ने कहा कि शिक्षकों को भी समय समय पर बच्चों के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन को लेकर चर्चा करनी चाहिए, तभी बाल शोषण पर रोक लग सकती है। राज्य साधन सेवी शुमोना रिंकू घोष ने सर्पदंश प्रबंधन की जानकारी दी। स्वतंत्रता दिवस के पर टीचर्स ऑफ बिहार ने द चेंज मेकर समूह की ओर से ऑनलाइन क्विज और एक गान देश के नाम प्रतियोगिता हुई। इसमें 15 प्रश्न पूछे गए थे। प्रतियोगिता के सभी प्रतिभागियों को ई प्रमाण पत्र दिया गया। कार्यक्रम संचालन शशिधर उज्ज्वल और अपराजिता कुमारी ने किया। इसमें राजेश और संतोष कुमार का भी योगदान है। ये स्कूल से रिलेटेड न्यूज़ था और शिक्षक नियोजन से रिलेटेड यही एक छोटा सा अपडेट था 6 to 8 का और इसका हाई स्कूल और प्लस टू का। तो मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।